गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश रैम्स पढ़ेंगे। इंग्लिश रैम्स में लिटिल मिस मुफेट पढ़ेंगे आज हम लोग। आप लोग मेरे साथ सारे बच्चे बोलिए, लिटिल मिस मुफेट सैट ऑन ए टफेट ईटिंग हर कर्ड एंड हवे अलोंग कम ए स्पाइडर हु सैट डाउन बिसाइड हर एंड फार्डेंट मिस मुफेट अवे। इसका हिंदी होता है बेटा, इसका हिंदी हो गया कि लिटिल मिस मुफेट जो कि एक घास के टीले पर बैठी हुई है, घास पर बैठी हुई है और दही और मट्ठी खा रही है। उसके बगल में उसी समय एक स्पाइडर मकड़ी आकर के बैठती है, जिसको देख करके मिस मुफेट डर करके भाग जाती है। वही है ये, इसका हिंदी यही हुआ कि एक छोटी लिटिल मिस मुफेट वो दही और मट्ठी खा रही है एक घास के टीले पर बैठ करके। उसी समय एक मकड़ी उसके बगल में आ करके बैठ जाती है, जिसको देख करके लिटिल मिस मुफेट डर करके भाग जाती है। आज हम लोग ये इंग्लिश रैम्स पढ़े, अब हम लोग हिंदी कविता पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कौन सा कविता रैम्स पढ़े थे, माई स्कूल पढ़े थे। माई स्कूल पढ़ करके इसको भी याद कर लिए होइएगा आप लोग, और उसके बाद आज लिटिल मिस मुफेट पढ़े हम लोग। अब हम लोग हिंदी कविता पढ़ेंगे। हिंदी कविता में हम लोग शुरू किए थे कोयल से शुरू किए थे, कोयल से शुरू किए थे। उसके बाद गिनती भी हम लोग पढ़े, गिनती पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े, उसके बाद से हम लोग पढ़े थे चिड़िया। आज हम लोग पढ़ेंगे सूरज। चलिए सारे बच्चे मेरे साथ बोलिए, सूरज निकला मिटा अंधेरा, देखो बच्चों हुआ सवेरा, आया मीठी हवा का फेरा, चिड़ियों ने फिर छोड़ा बसेरा, जागो बच्चों अब मत सो, इतना सुंदर समय न खो। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या बोल रहा है आप लोग को, कि सूरज जब निकल जाता है तो रात का अंधेरा जो है मिट जाता है, और सारे बच्चे को बोल रहा है कि सूरज निकल गया, आप सारे बच्चे भी जग जाइए और देखिए मीठी हवा जो अच्छी है, ठंडी ठंडी हवा है वो बाहर बह रही है। चिड़ियों ने भी छोड़ा बसेरा, चिड़िया जो है वो भी अपना बसेरा घर को छोड़ करके दाना के तलाश में बाहर निकल जाती है। तो आप सबसे भी कहा जा रहा है कि जागो बच्चों अब मत सो, इतना सुंदर समय ना खो, तुम लोग भी नहीं सो और जगो, अपना सारा काम करके फ्री होकर के अपने दिनचर्या में लगो, और इतना सुंदर समय जो अभी भगवान हम लोग को दिए हुए हैं हर समय का उपयोग करना चाहिए, और सारे काम करने के बाद से हम लोग को थोड़ा सा पढ़ाई भी करना चाहिए। इतना सुंदर समय नहीं खोना चाहिए, समय जो है हमारे पास उसका उपयोग करना चाहिए। यही है ये सूरज। फिर से आप लोग एक बार इसको पढ़िए, सुबह सुबह सूरज आती है ना, सूरज निकला मिटा अंधेरा, देखो बच्चों हुआ सवेरा, आया मीठी हवा का फेरा, चिड़ियों ने फिर छोड़ा बसेरा, जागो बच्चों अब मत सो, इतना सुंदर समय न खो। सब बच्चे इसको याद करके रखेंगे। आज बस सूरज हम लोग पढ़े, और आगे फिर हम लोग कविता पढ़ेंगे, और सारा कविता बच्चे लोग को याद होना चाहिए। घर पर बैठ करके आप लोग जोर जोर से बोलिएगा, पढ़िएगा, झूम झूम के पढ़िएगा इसको, तो याद होगा। और जब क्लास शुरू होगी तो हम लोग क्लास में भी खूब मस्ती के साथ ये सब रैम्स करेंगे और मस्ती भी करेंगे हम लोग। गुड डे।